क्या आपने कभी किसी को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते देखा है या सही में किसी को देखा है अपनी खुद की कब्र खोदते हुए? सेम हमने देखा है वन प्लस को, और भाई इस बार कब्र बहुत ज्यादा डीप खोदी है। ये है वन प्लस का 10T। गाइस मैं हूं कैम फ्रॉम नॉइज़ टेक, आज मेरा 7 to 8 days का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस फोन के साथ। बाय द वे ये एक रिटेल यूनिट है जो हमने खुद जाके वन प्लस के स्टोर से लिया है। 50,000 का फोन है ये, 8128 वाला वेरियंट, 5,000 मुझे ICICI कार्ड का डिस्काउंट मिला, 45,000 में ये फोन पड़ता है। सबसे पहले बॉक्स की बात करूं तो भाई बॉक्स में वन प्लस ने एकदम भाई सिंपल चीजें दी। इसके अंदर आपको ये TPU केस मिल जाएगा, डिसेंट क्वालिटी है, मैट ब्लैक फिनिश है। अंदर दिया है एक लैपटॉप का चार्जर, 160 वॉट का चार्जर है, 160 वॉट, और ये चार्जर इतना ज्यादा फास्ट है कि जितनी देर में आप भाई बाथरूम से फ्रेश होके आओगे आपके फोन को फुल चार्ज कर चुका होगा। 20 मिनट 22 मिनट के आसपास लेता है ये फुल चार्ज करने में। और सबसे अच्छी बात, ये फोन का वेट है 205 ग्राम, ये चार्जर का वेट है ऑलमोस्ट 220 ग्राम, तो भाई ये फोन से भारी ये चार्जर है। मेरा फेवरेट रंग है लाल, और आपका भी होना चाहिए क्योंकि आपको नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाना और ग्रे करना अगर ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो ये फोन लेने का प्लान शायद कर रहे होंगे तो। एंड कमेंट सेक्शन में ये बिल्कुल बताना कि क्या वन प्लस फिलहाल सही काम कर रहा है क्या। ये फोन दिखता है एकदम वन प्लस 10 प्रो की तरह। काय भाई जरा वन प्लस 10 प्रो दे तो अपना, अच्छा नहीं है हमारे पास। वैसा ही दिखता है, सेम वैसा ही कैमरा सेटअप दिया है, पर इस बार हैसलब्लैड ब्रांडिंग हटा दी है। हैसलब्लैड वालों को थोड़े से कम पैसे दिए तो उन्होंने बोला 10T में आप यूज नहीं कर सकते हो। बाकी डिजाइन की बात करूं, फोन डिसेंट दिखता है, पीछे आपको ग्लास मिलता है, सामने भी आपको ग्लास फाइव मिलता है, साइड में प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक है, ये मेटल होता था तो शायद मैं बोलता था ज्यादा प्रीमियम है, और ये नथिंग का फोन से ज्यादा प्रीमियम लगता है, और ये फोन ऑलमोस्ट 12-13 हजार रुपए सस्ता भी निकल। ये फोन आपको पूरा ग्लास सामने ही मिलता है, पीछे ही मिलता है, साइड में एल्यूमिनियम मेटालिक फ्रेम मिलती है, ये प्लास्टिक मिलती है। एंड सच बता रहा हूं, इसका ट्रांसपेरेंट लुक छोड़ दो, नॉर्मली आप देखो तो मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि नथिंग का फोन थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम है, एंड वो भी एक काफी बड़ा डिफरेंस है प्राइस में, 12 हजार रुपए काफी ज्यादा होता है, इसलिए मुझे ऐसा लगा वन प्लस हैज मेस्टा। उसके बाद अगली बात जहाँ पे मैं सब क्या, अलर्ट स्लाइडर, कौन सी कंपनी अपना सबसे मेन आइकॉनिक फीचर जो उनके फोन को डिफरेंशिएट करती है वो नहीं देगी। चलो ठीक है, नथिंग से ही बात करते हैं। नथिंग ने बताया ट्रांसपेरेंट डिजाइन, और अगला फोन नथिंग ने अगर एकदम ट्रांसपेरेंसी हटा दी, एकदम नॉर्मल बैक पैनल दे दिया, आप क्या बोलोगे, यार ये तो नॉर्मल फोन है, ऐसा कुछ नया ही नहीं है इसमें। वैसा ही वन प्लस, इसके पास अलर्ट स्लाइडर था जो सबसे अलग था। ऑफकोर्स आईफोन को छोड़ के कोई एंड्रॉइड फोन में आपको अलर्ट स्लाइडर नहीं मिलता था, उसने इसको हटा दिया क्योंकि उनको वो अपने सिर्फ प्रो फोन्स, अच्छे फोन्स में रखना था, एंड छोटे फोन्स को डिफरेंशिएट करना था। और भाना क्या दिया, बोले बैटरी बड़ी कर दी गई, जगह कम मिली इसलिए हमने हटा दिया, तुम एक नंबर के। यहाँ पे मिलता है आपको डुअल सिम का सपोर्ट, एचडी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है नॉट अ प्रॉब्लम, डुअल सिम अच्छा चल जाता है, नेटवर्क रिसेप्शन अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। राइट साइड पे आपको मिल जाता है पावर बटन, लेफ्ट साइड पे हमें मिल जाता है वॉल्यूम बटन, ऊपर आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक यानी कि एक्स्ट्रा स्पीकर मिलता है, एंड नीचे ऑफकोर्स आपका टाइप सी पोर्ट एंड स्पीकर है, हेडफोन जैक नहीं मिलता है, एंड ऑफकोर्स नीचे आपकी सिम ट्रे भी है जो मैंने बता दिया डुअल सिम सपोर्ट करती है। पीछे का बैक थोड़ा सा अच्छा फिनिश में दिया है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच फिनिश है, मैट है, अच्छा लगता है, हाथ में होल्ड करने में अच्छा है, ज्यादा स्लिप भी नहीं होता है। ऑफ कोर्स ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, नथिंग का फोन थोड़ा सा स्लिपरी है, बट ये फोन उतना स्लिपरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर्ड बैक दिया, थोड़ा सा एक हल्का सा वेलवेट सॉफ्ट टच दिया जो मुझे अच्छा लगा, सैंडस्टोन फिनिश वाला। यहाँ पे मस्त ऐसे एम्बेड करके वन प्लस का लोगो दिया जो दिखकर अच्छा आता है, जो चीज अच्छी है भाई वहाँ तारीफ हम बिल्कुल करेंगे, बट कुछ डिसीजन, प्लास्टिक डिजाइन, अलर्ट स्लाइडर का जाना, ये चीज मुझे नहीं पटी है। 6.7 inches का डिस्प्ले है, ये 120Hz का पैनल है, इसको वन प्लस बोलता है फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ पे ये पैनल 10 बिट है एंड मुझे ये डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप 60 एंड 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच कर सकते हो। ये एक LTPO पैनल नहीं है, एक नॉर्मल पैनल है, मतलब ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज या 10 टू 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच नहीं करेगा। डिस्प्ले की बात करूं, मुझे जीरो इश्यूज थे, काफी अच्छा क्वालिटी का फ्लूइड डिस्प्ले है, यहाँ पे डिस्प्ले में स्मूथनेस अच्छी है। ये फोन HDR 10 प्लस सपोर्ट करता है, एंड यहाँ पे YouTube पे भी आप देख सकते हो आपको HDR सपोर्ट मिल जाएगा, एंड यहाँ पे स्पीकर का क्वालिटी मुझे काफी मस्त लगा है।
स्पीकर क्वालिटी काफी अच्छा है, लाउड है, अच्छा बेस मिलता है, स्पीकर से मुझे सच बताऊं कंप्लेंट्स नहीं है। यहाँ पे साथ ही साथ आप स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखो, ये नीचे की बेजल कितनी कम है, ये ऊपर की बेजल कितनी कम है, ये चीज अच्छी है कि OnePlus ने यहाँ पे इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है। आपको अच्छे लो बेजल्स देखने मिलते हैं जो फोन को एक अच्छा लुक एंड फील देते हैं। डेफिनेटली डिस्प्ले के मामले में बोल सकता हूँ OnePlus ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। यस, ये डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करता है, आपको सपोर्टेड डिवाइस में दिख जाएगा डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। ये जो फ्रंट 16 मेगापिक्सल का कैमरा है आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पंच होल मिलता है जो छोटी सी जगह लेता है आपके नोटिफिकेशन पैनल में और अच्छा दिख कर आता है। यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करूं तो आपको 950 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है जो काफी ब्राइट है, आउटडोर में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। उसी के साथ साथ मिलती है 1000 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट, जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस, गेमिंग के टाइम जो आप टच करते हो वो चीज काफी इफेक्टिव और स्मूथ बनाएगी एंड डेफिनेटली आप वो चीज फील कर पाओगे। यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1, एक नया चिप एंड स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल चिप। चिप मुझे काफी सही लगा परफॉर्मेंस वाइज, यहाँ पे जीरो इश्यूज, बट यस कभी कभी जिटरी भी है, आपको हल्के फुल्के एक आध बार जिटर्स दिख जाएंगे, फ्रेम ड्रॉप दिख जाएंगे, चाहे तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन में सही हो जाएगा। एंड 8GB रैम इज सफिशियंट, मेरे को नहीं लगता आपको 12GB रैम और 16GB रैम वाले वेरियंट की जरूरत है जब तक आपको ज्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए। यहाँ पे परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली टॉप नॉच, आप पबजी COD मोबाइल को हाई सेटिंग्स में खेल सकते हो विदाउट अ प्रॉब्लम, हालांकि पबजी हो गया है बैन बट फिर भी आप खेल सकते हो। एक चीज जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया वो है AnTuTu बेंचमार्क, यहाँ पे पता नहीं क्यों बट मुझे AnTuTu का स्कोर काफी लो आया। ये मैंने एकदम फोन अनबॉक्स करने के बाद डायरेक्टली टेस्ट नहीं किया था, फोन को सेटअप कर लिया, पूरा अपना डेटा ट्रांसफर कर दिया इस फोन में, उसके बाद टेस्ट किया एक आध दिन के बाद एंड मुझे ये स्कोर आया, मतलब 7,74,000। मुझे ऐसा लगा स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का जनरली स्कोर आपको 950K+ मिलता है, यहाँ पे 180K, मतलब ऑलमोस्ट 2,00,000 का फर्क था, जो चीज थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटिंग दिखी। एंड यहाँ पे OnePlus थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है। उसी के साथ साथ Geekbench 5 का स्कोर यहाँ पे मुझे काफी अच्छा आया, 1000 एंड यहाँ पे 3100, एक डिसेंट स्कोर है मेरे हिसाब से। तो परफॉर्मेंस वाइज आई कैन से द परफॉर्मेंस इज ग्रेट बट नॉट दैट ग्रेट, इतना ऊपर नॉट दैट ग्रेट, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ग्रेट। यहाँ पे मैंने देखा इस फोन को गुस्सा आता है जिसके कारण ये गर्म हो जाता है नॉर्मल यूज में भी, इतना ज्यादा गर्म नहीं, हल्का फुल्का, एंड हेवी गेमिंग कर रहे हो तो ऑफकोर्स थोड़ा सा आपको ज्यादा गर्म होते हुए मिलेगा। थ्रॉटलिंग वॉटलिंग यहाँ पे मैंने नहीं देखी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। उसी के साथ मैंने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया, यहाँ पे ये फोन ज्यादा थ्रॉटल भी नहीं कर रहा था। तो इस बारे में आई कैन कंक्लूड कि यस, यहाँ पे परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, हल्के फुल्के एक आध बार जिटर देखने मिलेंगे जो मेरे हिसाब से एक आध OTA अपडेट से सॉल्व किए जा सकते हैं एंड ये हल्के फुल्के जिटर्स को निकाला जा सकता है। ये चिप के कारण यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 11 5G बैंड, मेरे हिसाब से विच इज अ डिसेंट नंबर। ऑफ कोर्स अब सब ब्रांड 10 के ऊपर दे रहे हैं, एटलीस्ट OnePlus 1-2 5G बैंड देके आपको ये फोन को 5G नहीं बोल रहा है, प्रॉपर रिस्पेक्टेबल नंबर दे रहा है 11 5G बैंड, जो मेरे हिसाब से काफी है। भाई एक तो Hasselblad वाले कैमरा सेटअप्स नहीं दिए, जो नॉर्मल कैमरा सेटअप्स दिए उसमें भी छीछी कर दिया, सही बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। जो मेन लेंस है वहाँ पे आपको मिलता है f1.8 का एपेचर एंड IMX766 लेंस, ये सेम लेंस आपको नथिंग के इस फोन 1 में भी मिलती है IMX766। ये फोन 32-33 हजार का है, ये फोन 45 हजार का है एंड कैमरा परफॉर्मेंस मुझे इन दोनों ही फोन से ऑलमोस्ट सिमिलर दिखी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो ऑफकोर्स ऑक्सीजन OS में थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन है, नथिंग OS का अपना खुद का अलग थोड़ा सा प्रोसेसिंग है इसलिए हल्का फुल्का फर्क दिखेगा, बट मेनली यहाँ फोटोज काफी हद तक सिमिलर है, नाइट मोड्स भी काफी हद तक सिमिलर है। मुझे यहाँ पे डिटेल अच्छा दिखा बट फोटोज थोड़ी ओवर सैचुरेटेड आ जाती है, थोड़े से कलर्स ज्यादा बूस्ट कर देता है। नाइट मोड में देखा अच्छी फोटोज बट थोड़े से बूस्टेड कलर्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मेन कैमरा इज डिसेंट, आप यहाँ पे 4K 60fps भी मेन कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो बट यहाँ पे आपको जो अल्ट्रा स्टेडी मोड मिलता है उसको आप 1080p के ऊपर नहीं यूज कर सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ द मेन लेंस दिस इज अ डिसेंट कैमरा। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ऑफकोर्स मैंने बताया 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, ये फोन 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दे रहा है, ये फोन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दे रहा है। अल्ट्रा वाइड कैमरा में मुझे डिटेल्स की कमी दिखी, लो लाइट में आपको वो चीज दिख कर आएगी, नॉइज दिखेगी, आप लो लाइट में तो ऑफकोर्स अल्ट्रा वाइड यूज कर ही नहीं सकते। एंड भाई ये 2 मेगापिक्सल का मैक्रो क्यों दिया,
एटलीस्ट 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। मैं सच बताऊं इसका सेटअप होना था एटलीस्ट 50+12+5 या 50+50+5, ऐसा कुछ सेटअप देना था, और इन्होंने दिया 50+8+2। मतलब कचरा कर दिया OnePlus ने इन टर्म्स ऑफ कैमरा। एंड वो ये समझ रहे हैं कि पब्लिक को ये चीज नहीं दिख कर आएगी। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो अपने हाथ से एक्चुअली अपना नाम खराब कर रहे हैं एंड पूरा फोन कचरा कर दिया। मेनली इस फोन का सबसे बड़ा डाउनसाइड मुझे यही दिखा है। इस फोन में आपको डुअल 4G मिल जाता है, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग मिल जाता है, वाईफाई 6 मिल जाता है, NFC मिल जाता है, उसी के साथ साथ ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है, वाइडवाइन L1 मिल जाता है, कैमरा 2 API का सपोर्ट मिल जाता है, IP रेटिंग नहीं मिलती है एंड वायरलेस चार्जिंग ऑफ कोर्स नहीं मिलती है। अब बोलोगे आप फिर से नथिंग को कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, IP53 की रेटिंग है एंड वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, यहाँ वो चीजें नहीं है। आप मुझे बोलोगे क्यों कंपेयर कर रहा है, चीनी चीनी भाई भाई काल पे भाई जिंदाबाद, तुमने OnePlus को डुबा के अपनी कंपनी बढ़वा ली है। पर टू बी ऑनेस्ट, काल पे डिड अ फैंटास्टिक जॉब, उन्होंने OnePlus को छोड़ा क्योंकि उनको दिख रहा था ये लोग कचरा करने वाले, आगे जाके अपनी कंपनी चालू कर दी जहाँ उन्होंने एक डिसेंट स्टार्ट की है। वो फोन यहाँ से 12,000 रुपए सस्ता है, फिर भी ये सारे फीचर्स आपको दे रहा है। इस फोन में आपको दिख जाएगा एंड्रॉइड 12 एंड उसी के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हो आपको मिल जाएगा 6 जुलाई 2022 का सिक्योरिटी पैच एंड ऑफकोर्स वो थोड़े से कलर ओएस वाले फीचर्स है, OnePlus के एक दो फीचर्स है, सारा करके दिया गया है। यस, इसको कलर ओएस में मिला दिया है, मस्त एक खिचड़ी बनाई है, कलरफुल ओएस कर दिया है या कलर ऑक्सी ओएस बना दिया है और आपको दे दिया है ब्लंडर। यही प्रॉब्लम इस फोन को नीचे ला रहा है, एक्चुअली OnePlus को नीचे ला रहा है। यहाँ पे ऑफकोर्स आपको रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन मिलता है, 8 GB रैम है और 5 GB बढ़ा सकते हो, तो भाई 12 GB 16 GB वालों की आपको जरूरत है ही नहीं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ स्टोरेज चाहिए तब लेना, और एक्चुअली इस वीडियो का कंक्लूजन देखना फिर सोचना लेने की। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको 4,800 mAh की बैटरी एंड मिलता है ये 150 W का चार्जर जो 20-22 मिनट में फोन को फुल चार्ज कर देता है। एंड बैटरी लाइफ की बात करूं, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिली, ठीक मतलब आपका दिन निकल जाएगा पर एकदम हैवी यूज पे आप दिन शायद ना निकाल पाओ। मैं आपको मेरा बैटरी का 24 आवर के यूजेज दिखाता हूँ कुछ स्क्रीन शॉट्स के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे मिला 5 घंटे 15 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम एंड बैटरी 4% पे आ गई थी। यहाँ पे आप देखोगे मैंने 8 बजे चार्ज किया था एंड ये अगले दिन 8:17 का स्क्रीन शॉट है ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद। एंड यूजेज आप देखो तो इतना हैवी नहीं था, व्हाट्सएप नॉर्मल यूज किया, यूट्यूब नॉर्मल यूज किया एंड बाकी स्नैपचैट थोड़ा सा यूज किया, फोन वोन किया, इतना कोई हैवी यूजेज था ही नहीं यहाँ पे। ये सेकंड वाला 4 hours 55 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम, 11% बैटरी, यहाँ पे 4:30 बज रहे थे एंड यहाँ पे आप देखोगे तो 8 बजे चार्ज किया था एंड यहाँ पे 4:30 बजे, थोड़ा सा हैवी यूज किया तो बैटरी जल्दी गिर गई। उसी के बाद यहाँ पे तीसरा स्क्रीन शॉट आप देखो, 3 घंटे का आसपास मुझे यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम मिला एंड 48% बैटरी बाकी थी। यहाँ पे आप देखो मैंने 8 बजे के आसपास इसको चार्ज किया एंड यहाँ पे अराउंड 1 या 2 बज रहे थे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 247 हो रहा था, मतलब 6 से 7 घंटे के बाद मेरा 3 hours का स्क्रीन ऑन टाइम था एंड ये फोन 100-48 आ गया था। तो इसको आप इतना हैवी यूज नहीं कर सकते हो, आपको मेरे हिसाब से 5-6 घंटे के आसपास की बैटरी लाइफ मिलेंगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई मैं एकदम लेटेस्ट वाले अपडेट पे हूँ, इसका मुझे कोई भी और अपडेट नहीं आया, एकदम वर्जन अप टू डेट है। तो मुझे ऐसा लगा 5-6 hours का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है नॉर्मल यूजेज पे, थोड़ा सा हैवी यूजेज जा रहा है तो थोड़ी सी और कम बैटरी मिल रही है। स्टैंड बाय बैटरी इज द बिगेस्ट कल्प्रेट ओवर हियर, मैंने रात में 3 बजे फुल चार्ज किया था एंड मॉर्निंग में मैंने जब 11 बजे चेक किया मुझे ऑलमोस्ट 20% का बैटरी ड्रॉप दिखा, सिर्फ स्टैंड बाय पे मोबाइल डेटा ऑन था, मैसेजेस आ रहे थे जा रहे थे, यूज नहीं हो रहा था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ मैं इतना ज्यादा सैटिस्फाइड नहीं हूँ, OnePlus यहाँ पे थोड़ा सा बेटर काम कर सकता था। 45,000 रुपए का OnePlus 10T आपको लेना चाहिए। अब तक समझ चुके हो, काफी लोगों की वीडियोस देख चुके हो एंड द आंसर इज सिंपली नो। नो मींस नो, आपको ये फोन नहीं लेना है। कैमरा एवरेज है, बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइजेस है, अलर्ट स्लाइडर नहीं है, बैटरी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगी मेरे हिसाब से। 150 वॉट की चार्जिंग है, आई डोंट नो लॉन्गेविटी कैसा रहेगा 2 साल बाद इस बैटरी का, बट OnePlus क्लेम करता है 1600 साइकिल्स तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, 1600 साइकिल्स के बाद यहाँ पे 80% बैटरी होगी, मतलब ऑलमोस्ट 3.5-4 साल के यूजेज के बाद। फिर आते हैं भाई 4 साल बाद आपको बताऊंगा फिर आप लेना OnePlus 10T, अभी मत लो कम से कम क्योंकि ये फोन लेने लायक नहीं है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।